2 घंटे की ड्राइव के बाद जी लागी ट्रैफिक, जिस चीज का डर सी वही होया। ये देखो जी एनिमल ट्रेलर। ये अमेरिकन और कनेडियन ट्रक ड्राइवर्स की सैलरी का क्या डिफरेंस है? एवरेज ट्रक ड्राइवर जो वीकली बनाता है जो $1,200 तक एवरेज बनाता है, कोई मे भी $1,800 पर वीक भी कमा रहा हो, कोई 2,000 भी कमा रहा हो, आपके एक्सपीरियंस भी डिपेंड करता है कि ओहो जी साडा खाना तो आ गया, भूख ही बड़ी लगी है ना सारा। अभी हमने सिर्फ ऑर्डर किया है चिकन कढ़ाई और नान। हेलो जी, गुड मॉर्निंग जी, सुबह के 7:30 हो गए। लो जी ट्रैफिक सानू मिल जा रही, रश रश रश, हर कोई सुबह दे टाइम जी जल्दी चलता है। कुछ बेचारे जॉब्स वाले ने, कुछ डिलीवरियां वाले ने, कुछ साढ़े वगैरह ने, बस ऐसे एग्जाम चल रहा है। सुबह सूरज से सुबह का आगाज हो चुका है जी, गहरे गहरे बादल, ग्रीनरी ग्रीनरी, धूप भी निकलने की कोशिश कर रही है। इस टाइम हम लोग नॉर्थ 81 पर है, हाईवे नॉर्थ 81। बड़ा खूबसूरत रास्ता है ये, जा रहे कामन जी सो रहे ने, कामन जी उठावा थोड़ी देर तक, और माइल्स रह गए थे हमारे पास 595। सुबह की 7:30, आप मेरा वैसे देखे कि पीछे गाड़ी है, रोड आगे जा रहा है जी, पूरे रोड पे वक्त पाया गया इसको, क्योंकि वो बेचारा जो है उसको भूल गई, उसके अंदर रह के जाना पड़ता है, या तो वो लेफ्ट साइड वाली तरफ थोड़ा सा आता है और फिर ट्रैफिक जो उसी लेन में है उसको गुजरने का मौका मिलता है। ये सुबह के दिन हम थर्ड फ्लोर देख रहे हैं, घर पूरा प्रॉपर घर बना हुआ जा रहा है, चलो इसके पास ही गुजरते हैं। हेलो जी, वेलकम बैक। हाँ जी जी, मेरी होगी बस, ते मैनू आ रही बड़ी सख्त नींद। तो जी कोई है? हेलो कोई नहीं लगता है, पीछे से कोई बस हल्की सी मुझे मेरी उंगली पकड़ रहा है बस, और कुछ आगे से बोल नहीं रहा बंदा। तो जी वर्जीनिया में आ चुके हैं और 8:30 हो गए हैं, शिफ्ट मेरी बिल्कुल एंड हो गई है। तो जी 521 माइल रह गए। कामन जी चा चा उठ जाओ, गुड मॉर्निंग। जरा नहीं थानू ख्याल के बंदा पूछ ले कि कुछ चाह पानी कुछ खाना है पीना है ना। चलो जी, कामन साहब जरा फ्रेश होके अपनी हॉट सीट ते आके ना गप शप लांदे ने, ते मेरी ते वज गई है मत, तुसी वेख लो बारिश भी रस्ते चौंदी रही है, ते बस एंड हो गया मेरा। तो जी मेरी तरफ से बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, मिलूंगी सुबह उठने के बाद नाश्ते में। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। हेलो, गुड मॉर्निंग ट्रकों वाले, हो की हाल चाल? सब बढ़िया? इधर भी बढ़िया ही है जनाब। हमने सीरियस हो को किसी ने चरण रहा है यार, सुबह सुबह इंसान को सीरियस होना चाहिए, उन हर वक्त नहीं जोली पन लेके आना चाहिए। सुबह सुबह
लो जी, बहुत ही मजेदार सुबह हो गई है और ज्यादा ठंड नहीं मगर ठंड है। हम इस वक्त वेस्ट वर्जीनिया में हैं और इस वक्त रेस्ट एरिया पे हैं जी, जहाँ पे हमारा ट्रक खराब हुआ था उसी रेस्ट एरिया पे। सर इतना आया करो, मुन्नी चंगा ला दो। डेढ़ दिन उसे बिताया सी। जी सायरा तो सो गई है बल्कि सोने वाली है और तकरीबन 15 मिनट में सायरा जी गुल हो जाएंगी। तो सायरा ने कुछ पूछना जी, कुछ खा लो पी लो नाश्ता करके सोवो बस। सुबह सुबह सायरा नु गल्ला कर लो। जी जी मैं फ्रेश होने में भूल ही गया यार। खा लो यार कुछ पी लो, दूध वगैरह पी लो। अच्छा सही है भाई। ट्रक दे विच भी ना सायरा ना कार वाली फीलिंग ही देती है जी। है उन जी नोक जोक लड़ाई झगड़ा चलते रहते जो बंदा कार च नहीं होता। ऐ नहीं बंदे हस्बैंड ताडा अड्डे लंबे लंबे ट्रक चलांदा पे। नहीं मैं तो नहीं चलांदी, मैं तेरा खाली हस्बैंड ही चलांदा। तो नहीं मैं किसी एसयू बस बेसिक सोचिया करो कि यार हस्बैंड मेरा ट्रक चलांदा, मैं वैसे नाल ओदे बैठी। सही सही कह रहे हो आप। सही हो गया। तो सारा ने जी राती को 550-600 माइल नाप लिते ने ते बकाया मेरे को रह गए ने जी 521 माइल। ते टाइम हो रहा है सुबह दे 9:30 ते एस्टीमेटेड अराइवल इज शोइंग 5:30। सो 5:30-7 तक पहुंच जावांगे। डिपेंड्स ट्रैफिक डिपेंड्स के कितने कुछ कोई हादसा वगैरह खुदा ना करे आ जाए ते लंबी ट्रैफिक लग जाए। ओके सायरा जी, ओके कामन बाय, विश मी गुड लक एंड आई विश यू गुड स्लीप। ठीक है जी। तो लो जी, ले खुदावंत का नाम और अपने ट्रक को जी रोडों पे डाले। लो जी सुबह सुबह लो नजारे जरा। हां जी सोंदे नहीं पे? दबके यार मेरी एडी हिम्मत की ताड़ी पर दबका मार से पे यार। हां जी ना कहो यार, एडा बड़े इल्जाम ना लाओ मेरे ते। बंदा प्यार ना कहंदा सो सो जो मैं देखो यार। सायरा वैसे ही आपको सफर डे टाइम करना चाहिए था। आप मजा कर लेते क्या जी? बाकी कर रहे हैं क्या लोग डे टाइम कर लेते? आप एक दो घंटा सो ना तो आगे ना दोबारा जरा ना ये नजारा लेना ना। अगर आपने चेक करो जी चेक करो यार, लख रुपये का नजारा है जी। तुम गिफ्ट है साढ़े वालों, इस तो अगे ना कुछ मंगना है कि नहीं? रस्ता बहुत खूबसूरत है सायरा, थोड़ी देर रास्ते च मेरे ना आके बैठ गए के थोड़ा जहा जरा ना अखा नु अच्छा नजारा दे। देखो ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਭਾਈ ਹੈ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ2 hours later. 2 घंटे के ड्राइव के बाद जी लग गई ट्रैफिक, जिस चीज का डर सी वही होया। ये देखो जी एनिमल ट्रेलर, दरगाहों मजा है ये नहीं भी चेक करो जरा।
ट्रैफिक लगता है बहुत लंबी लग गई यार। चलो जी वेखदे जी किड्डी कि लंबी ट्रैफिक है अगे की होया। बड़ी खूबसूरत जगह पे बनाया हुआ है। सूरज जगह पे ट्रक स्टॉप बनाया डंकिन डोनट है और क्या है इनका अपने फूड है जो कि अब यार कई दफा पता चलो खा ले हर दफा ही नहीं खा सकता। सारा जुट जाओ चलो आपको नाश्ता पानी करिए थोड़ा फ्रेश हो जाइए जरा चले जरा हम जरा फ्रेश हो जाइए विंडशील्ड भी साफ कर ले और छोटी सी ब्रेक कर लेते हैं। A few moments later. Hello ji, good morning. Good morning. Uthiye ji sara. Mainu te kisi ne anj rola pa ke uthaya ji mere agge badi khane di table saji hoyi hai mere layi. Ji mandir ke andar khane mein kuch bhi nahi hai. Wohi andar unke ji wo wings aur pizza aur ye jo dil nahi kar raha to sara ne ji bill aakhir doodh ka glass liya hai aur cake rus liye ji almond wale mazay se kha rahi hai. तो गरीबी दावे में जो भी मिल जाए तो मैं अभी गुजारा बुजारा कर लो ना तो नेक्स्ट देखते हैं जी रास्ते में क्या आता है। सर वैसे है हम हाईवे 81 पे हैं जो जिस भाई ने हमें सजेस्ट किया था ना कि एग्जिट 71 लेके वहाँ पे कोई देसी रेस्टोरेंट है ट्राई कर सकते हैं ना शायद इस वक्त खुला हो तो एग्जिट 77 और कमेंट देख लो दोबारा। तो चलो जी नेक्स्ट स्टॉप करते हैं वहीं पे सायरा तो जो तो डिसअपॉइंटेड है सो है ना तो फिर देखना जे खाना अच्छा ना ना लब्बा उठो ते ताडी के तो पैसे भाई जान तुसी पे करोगे जी जिन्ना ने सजेशन दीती है सही है ना। तो चले जी निकले यहां से जितने भी और तुसी खाना बना के तुसी लेके आओगे। हां जी जी तब तक जी मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटा लग जाएगा वहां तक जाते जाते अभी। तो गाइस सायरा जी रस खा के दूध पी के सो जाती हैं अभी तो हम नेक्स्ट स्टॉप करेंगे 1.5-2 घंटे बाद प्रॉपर खाने के लिए लंच डिनर नाश्ता सब कुछ वही होगा। देखते अगर मिल गया देसी तो ठीक है नहीं तो फिर बाहर से को और कुछ ही खाना पड़ेगा। Two hours later. रह गए तो अभी यहाँ पे 5 बज रहे हैं हम 7:45 पहुंच जाएंगे यहाँ पे इसको डिलीवर करते हैं। उससे पहले पहले जी खाने पीने का प्रबंध करना है वहीं पे रुकते हैं देखते हैं कि रास्ते में क्या मिलता है। हेलो जी वेलकम बैक। हाँ जी जी सीन बाकी है खूबसूरत मौसम है तो दिल नहीं कर रहा मेरा सोन भूख भी बार बार लग जाती है दो घंटे हो गए तो लो जी अभी भी हम लोग पेंसिल्वेनिया क्रॉस किया है और चलते जा रहे जी कितना रह गया माय गॉड 160 miles रह गए हैं तो फिर थोड़ी सी गपशप लाके जाइए। और क्या हाल है आपका? नहीं मेरे से नहीं मैं अपनी ऑडियंस से बात कर रही हूँ। मेरे से तो आप गपशप नहीं मेरे से तो लड़ते हो आप लड़ाई
आएगी तो दसो वो मैं लड़ लैं। हाँ मैं देख रही थी कि काफी ज्यादा हमें कमेंट्स आए हैं, काफी देर से लोग पूछ रहे हैं कि जी हमें बताएं कि अमेरिकन और कैनेडियन ट्रक ड्राइवर्स की सैलरी का क्या डिफरेंस है, की हिसाब किताब है उन्होंने पैसे का, अपना तो हिसाब किताब पता, उन्होंने भी जरा हिसाब किताब लाई। जी अमेरिकन ट्रक ड्राइवर्स और कैनेडियन ट्रक ड्राइवर्स के सैलरी में डिफरेंस है जी, जो करेंसी रेट का डिफरेंस है वही डिफरेंस है। एवरेज ट्रक ड्राइवर जो वीकली बनाता है जो $1200 तक एवरेज बनाता है, वो भी काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ना कि आप एक वीक पे कितना चला रहे हैं, 5 दिन काम कर रहे हैं, 6 दिन कर रहे हैं, 7 दिन काम कर रहे हैं, आप सोलो ड्राइवर्स हैं या टीम ड्राइवर्स हैं, आप कंपनी किसके साथ आप काम कर रहे हैं वो भी मैटर करती है। कई कंपनीज तो बहुत चीनी पे यही अच्छी सैलरी देती है, तो हम सिर्फ बात करें एवरेज, एवरेज $1200 बना लेता है, $1100-1200 अमेरिका में भी और कैनेडा में भी। कैनेडा में सिर्फ ये डिफरेंस आता है कि जब उसको कन्वर्ट करते ना USD में कैनेडियन डॉलर को, तो वो अगर $1200 बना रहे हैं तो वो जी आपको $US के हिसाब से तकरीबन $900 बन जाता है, $900। तो वहां पे आके जरा कैनेडियन ड्राइवर्स ना $US के मुताबिक ना थोड़े कम पैसे बना रहे। यार कामन गल तो सेम ही है ना, अगर आप कैनेडा में रह रहे हो तो वहां के हिसाब से आप उतने पैसे अच्छे कमा रहे हैं, अगर हम लोग अमेरिका में रह रहे हैं तो मतलब उस हिसाब से हम लोगों की सैलरी सेम है। मैं टेक्निकल सी बात कर रहा हूँ, $1200 कनाडा के हिसाब से ठीक है, यहाँ के $1200 यहाँ के हिसाब से ठीक है। मैं एक तरह टेक्निकल पॉइंट बात कर रहा हूँ कि अगर जब आप उसको कन्वर्ट करें तो $800-900 पे आ जाती है बात, तो जो एवरेज एनुअली है वो कनाडा में जी $70,000-80,000 पर ईयर, जो कैनेडियन में फिर करो तो 55-54 ऐसी कुछ मिलता है, तो अमेरिका में ऑलरेडी एवरेज इतना ही है 55-60, तो और वो सेम ही है जी, बस वो करेंसी का डिफरेंस है, अदर देन दैट इतना कोई फर्क नहीं है। तो जी हमारे जो कैनेडियन ट्रक ड्राइवर्स हैं अगर देख रहे हैं जी तो जी वो जरा कमेंट करके बताएं कि क्या सिस्टम है जो उनका, कि हम सिर्फ बात करें एवरेज, बाकी सारी चीजें जी काफी सारे फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं। कई कंपनीज आपको अच्छा पे करती है, कोई भी $1800 पर वीक भी कमा रहा हो, कोई 2000 भी कमा रहा हो, आपके एक्सपीरियंस भी डिपेंड करता है कितने देर का एक्सपीरियंस है, काफी सारी चीजें जी। ये जी एवरेज ट्रक ड्राइवर सैलरीज इन कनाडा एंड इन अमेरिका। लो जी जिनका जो क्वेश्चन था होपफुली उनको समझ आ गई होगी कि क्या कहना चाह रही है, क्या हिसाब किताब क्या है, आपने हमें कैलकुलेटर काटो तो हिसाब किताब लाओ। इन द एंड जी सारा डिपेंड करता है आप कितना ट्रक चलाते हो, जितना ज्यादा चलाओगे उतने ज्यादा पैसे बनेंगे, जितना कम चलाओगे उतने कम पैसे बनेंगे। कई लोग 4-5 दिन काम करके वीकेंड कर रहते हैं, तो हम जैसे महीना 2-2 महीने बाहर हैं, तो सब कुछ ये डिपेंड करता जी कि आप चाहे अमेरिका में चाहे कनाडा में, बात सेम ही है तकरीबन, सैलरी आई थिंक सेम ही है। अगर आप अमेरिका में हैं तो ट्रक ड्राइवर अमेरिका में भी वीकली इतने ही पैसे बनाते हैं, $1200 से $1500 तक वो बनाता है, और अगर आप कनाडा में है तो एवरेज के हिसाब से वही सेम है, बस करेंसी का डिफरेंस आ जाता है। तो बाकी ये है कि अगर आप कनाडा में रह के कमा रहे हो तो खर्च भी कनाडा च करना है, तुसी जी अमेरिका च कमा रहे हो तो अमेरिका च खर्च करना है। आप हाँ जी जैसे टोरंटो मॉन्ट्रियल ये मैटर बहुत करते हैं कि आप कौन सी स्टेट में रह रहे हैं, क्योंकि हर स्टेट के अपने लॉज हैं, अपने रूल्स हैं, अपने टैक्स हैं, महंगी स्टेट्स भी हैं और हाँ जी, और कहीं पे जो महंगी भी है वहाँ पे सैलरी जो है ना वो भी अच्छी है उस हिसाब से। तो बस ये हर स्टेट का हर कंट्री का एक अपने ही जी सिस्टम है यहाँ पे, तो ऑल ओवर ये है कि जी ट्रक वाले चंगे भले पैसे कमाते ने, मेहनत है लेकिन अच्छे पैसे बनाते हैं। तो नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे जी के
बॉर्डर ऑपरेटर कितने पैसे बनाते हैं एवरेज बात करेंगे, और कंपनी ड्राइवर्स कितना पैसा बनाते हैं, सोलो कितना बना सकता है और टीम ड्राइवर्स कितना बना सकते हैं, ये दो लोग बनाए थे जो मालिक ट्रक है वो कितना पैसा बनाते हैं, और अगर वो मालिक एक है सोलो है या टीम ड्राइवर है तब वो कितना बनाएंगे। तो ये सारे जी हम अपनी अपकमिंग व्लॉग में आपसे डिस्कस करेंगे, गपशप लगाएंगे और डिफरेंट टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे। सब तो पहले जी खाना खाओ, पहले अपनी सैलरी जो ना तो पहले डिले करो जरा। कम मेरी सैलरी खत्म भी हो गई है। $2000 तक बर्गर खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं। अच्छा सही है, अन्ना रोज खर्चा कराते हो मेरा तुसी। तुसी कौन खाना खाना है ना? नहीं मैं नहीं खाना, मैं आज खाना ही नहीं। मैं ना बस सो लगी हूं, मैं आज खाना ही नहीं, मैं दूध रस खा लेने, थोड़ा जे दूध और पिया है भूख लगेगी फिर दूध रस खा लेंगे। आ वे लो जी, जो अपनी सैलरी दी आए ना कल, बंदा जी दोबारा रिपीट कर लेता दूध रस रिपीट हो जाएगा। मैं नहीं, रिपीट हो जाएगा। मैं कह रहा मैं आगे बैठा थे, मेरे ना गपशप पैड़ी सिर्फ लड़ाई दी काम है। क्या लड़ाई थोड़ी? हाँ एक जनरल कन्वर्सेशन हो रही है। नहीं जनरल नहीं हो रही, तुसी आ जाके मेरे से आ जाते हो काम है। अच्छा सही हाँ। ताड़ी सैलरी की गल की थी नहीं, मेरी मेरी ना आप सैलरी की बात करो। चलो जी मैं जरा लड़ ला, दो हाथ कर ला। नहीं मैं लड़ना नहीं, मैं सोना आगे, मेरी नींद उड़ जाएगी। चलो इसराफ करके ना खाने के लिए। हाँ जी जी, आपको हमने जिड़ा ना मोटा मोटा दस दिया, तो जो कैनेडियन ड्राइवर्स हैं अगर वो हमारे ब्लॉग्स देख रहे हैं तो जी आप भी कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं कि क्या सिस्टम है वहाँ का। तो बाकी हमारी जो अपनी ऑडियंस है जी, और भी क्वेश्चन हो वो बात पूछना चाहते हैं पैसे तेले तो लावा। तो जी आप कमेंट करके जी जरूर पूछे, हमारे से बातचीत करें, और जब जब हमें टाइम मिलता है हम कमेंट्स पढ़ते हैं, उनके आंसर करते हैं। और सही गल है, लगता तुसी कोई गिफ्ट नहीं लेना, मेनू लगता यही काम है। हाँ वो भी महंगे आते हैं अच्छे वाले, पर मैं पठान को लेकर थोड़ी कह रही हूँ थोड़ी कह रही है जी, अच्छे वाले जो सनग्लासेस है वो महंगे आते हैं। तो जी जिन्ना से थानू कहा ना कि आईफोन ते वीजे दा नाम नहीं लेना, मैनू लगता कामरन इन्होंने कोई भी गिफ्ट नहीं लेना। अपने गिफ्ट कैंसिल कराई जा रहे हो, बड़े गिफ्ट दे चक्कर च छोड़ दो ते जाओ। तो चलो जी कमेंट्स करके बताया करें, जो भी आपके मन में जो है बात होती है जी वो हमसे शेयर किया करें। तो चलो जी मिलते हैं कहीं नेक्स्ट स्टॉप पर, रुकते हैं कुछ खाने के लिए, लेते हैं मुलाकात। 1 hour later तो जी फाइनली ये 77 एग्जिट आ गया है हैरिसबर्ग में पेंसिल्वेनिया। किसी ने हमें रिकमेंड किया था कि ये एग्जिट ले लो, साथ ही ये कि ट्रक स्टॉप के आगे ही कोई देसी रेस्टोरेंट है। मैंने कहा जी लेके देख लेते हैं। 77 एग्जिट और हाईवे 81 देख लेते जी की लगता है, तो आगे दस दिया था अगर कुछ अच्छा मिलता है। आज तो कॉमन ट्रैफिक ने बहुत तंग किया, बहुत ट्रैफिक है। तीसरी दफा मैं यहाँ पे ट्रैफिक में स्टक हूँ आधे आधे पौने पौने घंटे के लिए। ये लो जी ले लिए 77 एग्जिट और हाईवे 81। मैंने बोर्ड पढ़ा जी यहाँ पे कोई है टेस्ट ऑफ इंडिया के नाम से रेस्टोरेंट है, लेट्स सी। ये है जी ये ट्रैवल प्लाजा, बिल्कुल TA ट्रक स्टॉप के बिल्कुल साथ। तो वो जी हमने अपना ट्रक खड़ा किया, तो अंदर जाके देखते हैं जी क्या मिलता है। एंड वन चिकन बिरयानी, बोनी चिकन फ्राई बोनी प्लीज।
खाना तो आ गया, भूखी बड़ी लगी है सारा। अभी हमने सिर्फ ऑर्डर किया है चिकन कढ़ाई और नान। अगर टेस्ट अच्छा लगा तो जी हम पैक करवा के साथ ले जाएंगे। नहीं सायरा जी चले जी खा के मिलते भूख बहुत लगी। A few moments later. Very disappointed. मैं तो ऑर्डर करने लगा ज्यादा। सर ने कहा नहीं पहले हल्का सा कर लो ऑर्डर, एक कढ़ाई कर लो। थोड़ा सा डाउट हो गया था एक्चुअली कि क्या सी। तो जी एनी हाउ ऐसे ही इसी वजह से जैसे बर्गर खा लेते हैं उसमें खाना खा लेते हैं, लेकिन आप ये कितना बिल दे रहे हैं? $23 की कढ़ाई और 3 बोटी है। पानी वाला सालन। मैं तो 5 मिनट जान देना किचन के जी आप खुद बना ले तो ज्यादा अच्छी बन जानी। हम इंडियन फूड को नहीं कह रहे कि ऐसा है, एक शेफ भी होता है ना कि आप अच्छी खाना प्रेजेंट करते हैं, तो प्रेजेंटेशन भी कोई चीज होती है और खाने का थोड़ा बहुत कहते हैं ना टेस्ट, वो भी नहीं। तो जी साढ़े वगैरह बेचारे ड्राइवर एनी देर ट्रैवल करके लब ने खा ली। आप बिलीव करें कि मैंने और कामरा ने सुबह का नाश्ता नहीं किया, मैंने फिर भी दूध और रस ले लिया था क्योंकि मेरे से बर्दाश्त नहीं थी। हमने कहा कि चलो जाके चलो एक अच्छा है खा लेते हैं, कुछ पैक भी करवा लेंगे रख लेंगे। पानी ज्यादा पता नहीं अजीब सा, लेकिन एक्सपीरियंस है ऐसे ही है। तो लेकिन ये है कि हम लोग बहुत चूजी हैं खाने में, ये पैसे भी लाने ने थे तानू मजा ही ना आए, कोई दिलो दुआई ना निकले। तो जी मजा नहीं आता। कोई बात नहीं, उनका अपना टेस्ट है जी, हमारा अपना टेस्ट है। चलो जी निकली जी बल्ले लो। उनका भी अच्छा खाया जाता बटर चिकन करा लो, लेकिन पता नहीं वो शेफ कैसा था जिसने बना के दिया, इतना को बद जायका खाना था ना। चलो भूख लगी सी ते कहीं रिजक सामने सी सी रिजक छड्या नहीं जी, जो भी सी खा लेता करके खा ले, सबर शुक्र कर लिया के चलो जी। चलो जी पहुंची बस थोड़े ही सिर से तो पानी दे, मैं तो मसा इनक नान खादा होना है बड़ी हुई बोटी के नाल एंच लेग पीस ही एंच जी चूचे का लेग पीस होता है। चलो कोई बात नहीं, चलो जी मिलते हैं आपको, अच्छे बुरे एक्सपीरियंस साथ साथ ही है इसलिए हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं कि आप लोगों को पता हो। हेलो जी, फाइनली 100 मील का सफर भी हमने कर लिया है और फाइनली न्यू जर्सी पहुंच गए। ठंड बहुत ज्यादा है। ओए ओए अब 100 मील के सफर में हुआ क्या पता जी, ट्रैफिक 3 जगह ट्रैफिक लगी है। 3 घंटे में सफर किया है 100 मील का और ये ले जी हम न्यू जर्सी पहुंच गए। उन्होंने ब्रेक कर दी है, हवा भी तेज चल रही है। तो जी गाइस ये लोड डिलीवर हो चुका है और आपको मिलेंगे जी कल नए दिन के साथ, नए ब्लॉग के साथ और नए लोड के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें और जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। हम 36 घंटों के बाद बहुत थक चुके हैं। टेक केयर, बाय बाय।